क्या इतिहास का जन्मदाता उतना तो अभी प्रतीत तो नहीं। देखिए ये लोग, मैं इंटर साइकोलॉजी के हिंदी में क्या कहते हैं, राजनीतिक शास्त्र। कौन कोचिंग का नाम क्या है? कौशल। कौशल कहाँ पे स्थित है? जादुपुर। जादुपुर बाजार का जो स्टूडेंट है, जो मैं आपको सामने बता दो, ये जिस कोचिंग में पढ़ा है उस कोचिंग का सर का नाम है दीपक सर। घर कहाँ पड़ेगा? हमारा जीन बाबा कर दिया। जीन बाबा का देखिए दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आपकी शुभ चिंतक सानिया किन्नर। मैं अभी आ चुकी हूँ मीरगंज में, आप लोग यहाँ पे दिखाऊंगे जो साहू जैन उच्च विद्यालय मीरगंज गोपालगंज के सामने, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों के सेंटर पर आए और सभी सब्जेक्ट मैथ अनर्स, केमिस्ट्री अनर्स, फिजिक्स अनर्स, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट्स, जो भी सब्जेक्ट के बच्चे हैं जो यहाँ पे एग्जाम देने के पहुंचे हैं, हमें आपको बता दो कम है इधर एक कैमरामैन कहाँ से आ पाए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? बंगरा। उधर तो गए बंगरा खा गए, सही से बताइए। हाँ, उधर किस स्कूल से हैं? ये हाई स्कूल का नाम बताइए आपका। कर्मी उच्च विद्यालय बंगरा। अच्छा, किस सेशन में पढ़ा आपका? वही देख रहा है जो। देखिए यहाँ पे आपको दिखा दे बाइक से, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है, जो कैमरा वहाँ जूम करके दिखाइए, जो भी स्टूडेंट है अपना सेंटर और अपना किस हॉल में पढ़ा है, सेक्शन ए में पढ़ा है कि सेक्शन बी में पढ़ा है, कि हॉल नंबर एक में पढ़ा है कि हॉल नंबर दो में पढ़ा है। मैं आपको बता दो, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हो रहा है, यहाँ पे आप लोग भी एग्जाम देने आए हो, तो किस लिए आए हो यहाँ पे? आपका एग्जाम है? किस सब्जेक्ट से आप? हम आर्ट से हैं। आर्ट से हैं? हाँ जी। इतिहास जिसको बोलते हैं? हाँ। किस स्कूल से हैं? गांधी इंटर कॉलेज गोपालगंज। गोपाल जीन बाबा करिया का लड़का है जो एग्जाम देने, एग्जाम का तैयारी किए हो जी? और कोई काम करते हो एग्जाम के साथ, पढ़ाई लिखाई सर? दुकान में काम करते हैं। दुकान में काम? अपना टाइम मिलता है तो पढ़ाई करते हैं। दुकान के साथ साथ पढ़ाई भी कर लेते हो जी? आपका पापा जी का नाम क्या पड़ेगा? पापा जी का नाम मनोज प्रसाद। परीक्षा निकलने का कोशिश है जी? जैसे भी करके अपना कमा के एग्जाम फीस देते हैं, जितना टाइम मिलता है उतना किए हैं अपना पढ़ाई अपने से। देखिए इस बच्चा को आपको मिलवा रहे हैं, आपका नाम क्या है? अनित कुमार। अनित कुमार जी। ये जो अनित कुमार जो बच्चा है करिया का रहने वाला है, अपने से दुकान में काम करके पढ़ाई करके ये यहाँ तक ले पहुँचा है, इंटर का एग्जाम है ना जी? इंटर का एग्जाम देने के लिए लड़का पहुँचा है। परीक्षा का तैयारी हुआ है जी? इतिहास का? इतिहास आपका सब्जेक्ट मेन है? नहीं, साइकोलॉजी है हमारा। साइकोलॉजी है? राजनीतिक शास्त्र जी। अच्छा, राजनीतिक शास्त्र में उसको मान के चले का ये क्वेश्चन आ गया कि राजनीतिक शास्त्र के बारे में कुछ, मतलब उसमें कुछ का क्वेश्चन आएगा, कुछ पढ़े हैं कुछ बता सकते हैं जी? ऐसा एक क्वेश्चन हो जिसका नाम बताइए जी। क्षमा चाहता हूँ कि हमको उतना भी जितना टाइम मिला है उतना किया है। मैं आपको बता दो, ये लोग पॉलिटिकल कैमरा घुमा के दिखाइए, ये पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के बच्चे आए हैं, लेकिन इन लोग का ये नहीं पता है कि पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का जन्मदाता कौन है, इसका माँ बाप कौन है, इसका पढ़ाई करने से मूल मकसद क्या है। देखे सब बच्चे भाग रहे, क्यों भाग रहे हो जी? है पढ़ाई लिखाई क्यों? तुम इधर आ तो किस स्कूल से हो? इधर हमारा बंगला है, हम पेपर देने नहीं है, दिलवाने आए। दिलवाने आए हो आप? परीक्षा देने आए हो? दिलवाने आए हो? परीक्षा देने आए हैं। किस स्कूल से हैं? उच्च माध्यमिक विद्यालय। कहाँ पे है? गोपालगंज। गोपालगंज कौन अनर्स है आपका? आर्ट्स है। आर्ट्स है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इतिहास। इतिहास। इतिहास का जन्मदाता कौन है? एग्जाम दे रहे हैं लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि इतिहास का जन्मदाता कौन है और राजनीतिक शास्त्र का जन्मदाता कौन है। ये लोग क्या मैट्रिक का एग्जाम देंगे? कैमरा घुमा के दिखाइए, हाथ में एडमिट कार्ड लियो। क्या नाम है आपका? अफरोज अली। दिखाओ एडमिट कार्ड। देखिए अकबर अली साहब को मिलवा गए, कहाँ के रहने वाले? आकिल टोला। आकिल टोला? आकिल टोला मीरगंज के बगल में है? नहीं, कबीलासपुर बाजार के पास। कबीलास। परीक्षा का तैयारी हुआ है? नहीं। हाँ किए हैं। नहीं किए हैं? किए हो? कभी बोले नहीं, कभी बोले किए हैं? किए हैं। गर्लफ्रेंड बनाए? नहीं। बोलता है परीक्षा में गर्लफ्रेंड होना चाहिए। देखिए सबसे हैंडसम बॉय सबको मिलवा गए, परीक्षा देने आए हैं? नहीं, भाई को लेना है। ये भाई कहाँ अंदर चला गया? देखिए यहाँ आपका नाम क्या है? गर्लफ्रेंड है? नहीं है। आपका? किसी का नहीं है? नहीं है। देखिए हाथ में एडमिट कार्ड दिख रहा है। अच्छा, एग्जाम देंगे? पढ़ कर आए हैं। पढ़ कर आए हैं? अच्छा, पढ़ाई करने में 1 सेकेंड
पढ़ाई करने में कितना मेहनत लगता है? बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत, साल भर दो साल से पढ़े हैं, बहुत मेहनत से। अच्छा आप लोग शांति बना के रखे, पहले सुनिए, दो साल के बाद आप लोग को एग्जाम देने का मौका मिला है, यदि आप लोग फेल कर जाइएगा तो इसमें कितना बहुत दुख होगा, फेल करेंगे इसलिए पढ़े हैं। आप लोग का माँ बाप परीक्षा में पढ़ने के लिए पास होने के लिए भेजा है, यदि आप लोग फेल हो जाएगा कितना दुख होगा, फेल होकर पढ़ाई की है, स्टूडेंट है उनको पता नहीं है, सबको ही पढ़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो उन लोग राजनीति शास्त्र के बारे में कुछ नहीं पढ़ाई में लफड़ाई करवा किया होगा। अच्छा आप मन लगा के पढ़े हैं? हाँ हम तो पढ़े हैं, मन लगा कर। कहाँ के रहने वाले? गोपालगंज। किसी कोचिंग में पढ़ते हैं? हाँ। कोचिंग का नाम क्या है? कौशल। कोचिंग का सर का नाम बताइए? अजय प्रिंस। अजय प्रिंस जो अच्छा पढ़ाते हैं सर, जो आपका पीए है उनका नाम बताइए? दीपक सर। दीपक सर, दीपक सर कहाँ के रहने वाले हैं? बिशुनपुर का। इधर घूम जाइए, देखिए दीपक सर का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है, और जो अभी साहूजन हाई स्कूल के सामने परीक्षा देने के लिए आया है, कैमरा मैन इधर ध्यान दीजिए, सुनिए आपका पापा जी का नाम क्या है? छठू पंडित। चलाई बाबा। आपका पिताजी का नाम क्या है? छठू पंडित। छठू पंडित, आप जैसे जिस जाति से बिलोंग करते हो, जिसमें कुहार जाति बोला जाता है, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले कुहारे हैं आप, बताइए मिट्टी का बर्तन बना के आपके बाप बताए कितना प्यार सबको पढ़ाई लिखा है, उस उम्मीद को कायम रखिएगा। हाँ रखेंगे, पास करके दिखाइएगा। दिखाएंगे, पूरा गारंटी है? गारंटी है। फर्स्ट डिवीजन चाहिए कि सेकंड डिवीजन? फर्स्ट डिवीजन। अच्छा जहाँ तक एक सवाल मैं आपसे पूछा, जो भी स्टूडेंट है तो इधर कैमरा घुमाइए, इधर आइए आप, बहुत सारे जो स्टूडेंट है जो बिना हेलमेट के आ गए तो उसमें आप क्या बोलिएगा? इधर आइए, आए बिना हेलमेट के जाना उचित है कि नहीं बताइए? घूमना हेलमेट लगाना सही है कि गलत? सही है। सही है ना। अच्छा जो बच्चा स्टूडेंट हेलमेट नहीं लगाए उसमें आप क्या बोलेगा? बोलेंगे लापरवाही। 1,000 रुपया फाइन ले गए बिहार पुलिस, 1,000 रुपया बिहार पुलिस फाइन ले गए हैं स्टूडेंट से, इसमें आप क्या बोलिएगा? बोलेंगे सही कर रहा है लोग। सही कर रहा है। हेलमेट लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। हेलमेट से आप ही लोग फायदा होगा कि घाटा होगा? फायदा होगा। क्या फायदा है बताइए? फायदा होगा, सेफ्टी होता है, लगाएंगे तो गिरेंगे तो चोट वोट नहीं लगेगा। देखिए आप स्टूडेंट हैं? नहीं हम बिजनेस मैन हैं। छोड़ने के लिए आए किसी को? हाँ। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट का परिजन है, इस आई कार्ड वालों को दिखाओ, आई कार्ड लटका घूमे इधर तो दगाओ, दगाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सैफुल्लाह अंसारी। हेलमेट लगाना सही है कि नहीं? सही है, अपने सेफ्टी के लिए। पुलिस चेकिंग कर रहा था, 1,000 रुपया स्टूडेंट लोग से लिया है, और तुम्हें क्या बोलोगे तुम? कहाँ कोई दिया है? अभी अभी न्यूज बनाए हैं, उसमें देखे हैं स्टूडेंट को हाथ में पीट दिया पुलिस हेलमेट के बिना। तो हम लोग बाइक से नहीं आए हैं, लोग कहते जाए हो भुगा। अच्छा परीक्षा में पास होना है, कौन सब्जेक्ट है? अब भी पॉलिटिकल साइंस है। दिखाओ तो, ऐसे करके दिखाओ, ऐसे पकड़ो। देखिए पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल हिंदी में क्या बोलते हैं? राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र के बारे में दो लाइन कुछ बोलो। राजनीतिक शास्त्र का उसमें मतलब पुराने पुराने जमाने का जो इतिहास है उसमें वही सब आता है। जैसे मैं जैसे मैं कहा पहले के बारे, लड़ाई कब हुआ था कब नहीं, देश को क्या हुआ। देखिए मैं आपको बता दो, कैमरा के सामने जो बच्चा दिख रहा है उर्दू स्कूल है ना, एम एम उर्दू स्कूल हाई स्कूल से बच्चा आया है यहाँ पे परीक्षा देने के, इसको हम एक सवाल पूछे थे कि राजनीतिक शास्त्र का मतलब क्या होता है, इसके माने तुम बताओ, तो बोल दिया पुराने जमाने के जो भी इतिहास है जो अभी दोहराया जा रहा है, जो हम लोग आने वाला पीढ़ी में जिसको पता नहीं है उसको बताया जा रहा है कि हाँ आप पहले क्या हुआ था अब क्या होने वाला है। देखिए इस बच्चा को उम्मीद है कि लड़का फर्स्ट डिवीजन पास हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दो यहाँ पे जितना भी स्टूडेंट है सभी लोग पास हो, ये मेरा दुआ है। सानिया किन्नर की रिपोर्ट, साहूजैन हाई स्कूल के पास है, किन्नर 24 न्यूज में बने रहे। जय हिंद जय भारत।